हेलो दोस्तों, ये है माय हरेम इज इंटायरली फीमेल डीमन विलन्स का एपिसोड 2। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो गेम सिस्टम है वो हमें बताता है कि जो हमारे हीरो का असली नाम है वो है वू चैन, और डाउन स्टार वो नाम है जो वो अपने गेम में यूज़ किया करता था अपने लिए। तो एपिसोड स्टार्टिंग में ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि मास्टर, मैंने आपकी आवाज़ सुनी, क्या आप ठीक हैं? और फिर एक लड़की दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। सो गाइस, फिर हमें इस लड़की का इंट्रोडक्शन मिलता है कि इसका नाम डायनी है। ये मिस लिटिया की पर्सनल मेड सर्वेंट है और इसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। वो देखती है कि एक लड़का मिस लिटिया को मसाज कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि हे, क्या तुमने पहले कभी किसी को मसाज करते हुए नहीं देखा? और गाइस, इस लड़के का असली नाम वू चैन है, सो अब से मैं इसे वू चैन कहकर ही बुलाऊंगा। फिर लिटिया कहती है कि हाँ, वो मुझे एक मसाज दे रहा है। और डायनी, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम मेरे रूम में परमिशंस के बिना नहीं आ सकती हो, जिस पर वो उससे माफ़ी मांगती है। मैंने आपके कमरे में से एक आवाज़ आती हुई सुनी, इसी वजह से मैं आपके कमरे में आई। फिर लिटिया सोचती है कि अगर इसे पता चल गया कि उसने मुझे अभी पीछे मारा है, पीटा है, पनिशमेंट की दी थी, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी इसके सामने। फिर वो उसे मसाज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग साउंड निकालती है। वू चैन कहता है कि ये मसाज है, ये तो नेचुरली है कि जब आपको मसाज मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ निकलती है ज़्यादा। मैं एक बहुत ही बढ़िया मसाजर हूँ। लिटिया सोचती है कि मुझे इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है। फिर वो उसे और भी मसाज करता है, जिस पर लिटिया और भी अजीब तरीके के साउंड्स निकालती है। और फिर वू चैन कहता है कि चलो अब तुम्हारे ब्रीस्ट की मसाज करते हैं। ये सुनकर वो मेड डायनी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं अब आपको इंटरप्ट नहीं करूँगी। फिर वू चैन लिटिया के पास आकर कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ, क्या मेरी जो मसाज की टेक्निक्स थी वो अच्छी नहीं थी? लिटिया गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम किसे अपनी वाइफ कह रहे हो? हाँ, हमारा वू चैन कहता है कि ये अभी भी नहीं मान रही है कि ये मेरी वाइफ है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं करते। ये सुनकर लिटिया शॉक्ड हो जाती है और वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और कहता है, और फिर हमारा हीरो कहता है कि हे, अगर तुम्हारे मैजिक का मुझ पर कोई यूज़ नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता, तो तुम मुझे पीट सकती हो जब तक मैं मन ना जाऊँ। वो कहती है लिटिया कि मेरी पावर्स उसे कुछ भी हर्ट क्यों नहीं कर रही हैं, और ये जो रिंग मैं अपनी उंगली में पहने हुई हूँ, ये सच में एक मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट रिंग है। फिर वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉर्ड मदर गॉडेसेस ने ये फियांसी चुना है मेरे लिए? पीछे से वू चैन कहता है कि करेक्ट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चुना है। फिर वू चैन कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसे बताता है कि जब डीमन गॉडेसेस और क्रिएशन ऑफ गॉडेसेस आपस से एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो दोनों ही तरफ दोनों को बहुत सारा नुकसान हुआ, और डीमन गॉडेसेस ने जाने से पहले मुझे और सारी डीमनेसेस के बीच एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और मुझसे कहा कि जो अगली डीमनेस उसके सिंहासन पर बैठेगी उसे मैं चुनूंगा। और फिर वू चैन कहता है कि अब तुम समझी? वो कहती है लिटिया कि मैं 1000 साल की तो हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं शादी कर सकती हूँ। फिर वो थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, सो तुमने मुझे चुना है? वू चैन कहता है कि नहीं, तुम उनमें से एक हो जिन डीमोनेसिस में मैंने तुम्हें चुना है, अब मैं दूसरे डीमोनेसिस के पास जा रहा हूँ। लिटिया कहती है कि अरे रुको। वो कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मैसेंजर हो तुम गॉड मदर डीमोनेसिस के, तुम यहीं रुको और मैं दूसरी डीमोनेसिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देकर आती हूँ। वू चैन कहता है कि ये भी ठीक है। फिर लिटिया कहती है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बुलाने वाली, ग्रैंड मदर की डिवाइन अथॉरिटी मेरी होगी। वू चैन सोचता है कि अब जाकर उसे उल्लू बना पाया मैं। फिर तभी वू चैन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि द लस्ट डीमनस, जिसे अच्छे से समझाना, इन्फ्लुएंस करना भी आसान नहीं है, वो एक वर्जिन की बातों में आ गई। वू चैन कहता है कि कौन है वहाँ, कौन है? और फिर वो आवाज़ उसे बताती है कि मैं वो सिस्टम हूँ जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई है। फिर वो आवाज़ उससे कहती है कि मैं तो बहुत हैरान हूँ जो उसने तुम जैसे भगौड़े लड़के को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार होगा भगौड़ा, मैं नहीं हूँ। फिर वो सिस्टम कहता है कि मैं 5 मिनट बाद इनएक्टिव हो जाऊँगा, तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी पूछो।
फिर बुचन उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ से कैसे वापस अपने घर जा सकता हूँ। जिस पर वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम दूसरी दुनिया में यानी कि एक डीमन वर्ल्ड में हो जहाँ पर तुम्हें दूसरी दुनिया से लाया गया है, और वो उसे बताता है कि तुम जितनी जल्दी सारी डीमनेसेस को खुद से प्यार करवा लोगे, वो तुमसे प्यार करने लगेंगी, तुम उतनी ही जल्दी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। वुचन कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि मैंने 1 dozen गॉडेसेस के लिए उस लव पोशन का यूज़ किया था ताकि वो मुझसे प्यार करने लगी। जिस पर उस सिस्टम से कहता है तो फिर तुम लीटिया से शादी कर लो और फिर उसकी जो पावर्स हैं वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी, जिससे तुम बाकी की डीमनेसेस के साथ भी शादी कर सकते हो। फिर वो सिस्टम उसे बहुत सारे हथियार बताता है और कहता है कि तुम इनमें से कुछ भी चुन सकते हो। वो कहता है कि मेरी दुनिया में बहुत से अच्छे हथियार हैं जो मैं चुन सकता हूँ। क्या एक वेडिंग रिंग है मेरे लिए और लीटिया के लिए? फिर वो उस वेडिंग रिंग को चुन लेता है। रिंग के इंट्रोडक्शन में ये होता है कि ये एक ज्वेलरी आइटम है, इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इससे तुम्हारा जो पार्टनर है उसकी पावर्स तुम्हें आ जाती हैं, ये तुम्हारी चोटों को ठीक कर सकती है, और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो। ओके, फिर वो अपना पिछला टाइम याद करने लगता है जब वो गेम में था कि मैंने उस गेम में 1 dozen डीमनेसेस के लिए अपनी फेवरेबिलिटी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। सिल्वी को तो ये भी नहीं पता था कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। वो कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड की गॉडेसेस के लिए तो कोई भी अपने लिए फेवरेबिलिटी को मैक्सिमम किया ही नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री में बहुत सारी मेरी हरेम बैटल हो सकती हैं, एक दूसरे हमारे मेरी हरेम की जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे के साथ ही लड़ पड़ेंगी, मेरा प्यारा छोटा सा जीवन बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाएगा तब। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लीटिया को देखते हैं जो कि किसी जगह पर आ गई है टेलीपोर्टेशन के जरिए। फिर वो किसी लड़की को देखती है और कहती है कि हम दोनों बहुत टाइम से नहीं मिले, एल्फ क्वीन इस सिल्वी। फिर हम इस लड़की का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस लड़की का नाम है सिल्वी, डार्क लॉर्ड डीमन लॉर्ड, और ये लीटिया की सबऑर्डिनेट है। जिस पर वो लड़की कहती है कि प्लीज़ आप मुझे क्वीन मत कहिए, इस लड़की की वजह से अब मैं 11 एम्प्रेसेस में से एक नहीं हूँ। लीटिया उससे कहती है कि उस डाउन सान ने तुम्हें बहुत सारा दुख दिया है ना। जिस पर वो उससे चिल्लाकर कहती है कि मुझे उसका नाम नहीं सुनना। वो कहती है ठीक है ठीक है। फिर वो उसे एक मैजिकल बॉल देती है जिसमें कुछ बाल होते हैं। वो कहती है कि तुम तो दूसरों की जो क्वालिटीज़ हैं उनकी पावर्स हैं वो बता सकती हो, तो क्या तुम मुझे इस लड़के के बारे में बताओ कि इसके पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। फिर सिल्वी उस बॉल को लेती है और उस लड़के की पावर्स के बारे में बताने लगती है कि ये एक ह्यूमन है जिसका जेंडर मेल है और ये 19 years old है, इसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, कोई डिवाइन पावर नहीं है, बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। ये सुनकर लीटिया को गुस्सा आ जाता है कि इस लड़के ने मुझे उल्लू बनाया। फिर वो कहता है कि रुको, कोई और बात भी है इसमें। वो कहती है कि इसके आसपास से कई सारी डीमनेसेस का ऑरा निकल रहा है, और फिर वो देखकर हैरान हो जाती है कि द बिट्रियल डीमनेसेस, द हेल डीमनेसेस, द मैट्रियार्च डीमनेसेस, द फुल मून डीमनेसेस। वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो लीटिया पूछती है कि अगर इस लड़के को सच में मदर लॉर्ड डीमनेसेस ने भेजा है तो हाँ, ये ऑब्वियस है कि ये हम सबका ऑरा इसके पास होगा, लेकिन जो डीमन लॉर्ड गॉडेसेस है मदर, उसने एक ह्यूमन को क्यों चुना एक मैसेंजर के रूप में? फिर वो अपने एक डीमन आई को बुलाती है। फिर गाइस इसका इंट्रोडक्शन है जो तुम लोग पढ़ सकते हो। और फिर लीटिया उस डीमन आई से कहती है कि जो लड़का मेरे कमरे में है उसे मार दो। फिर वो डीमन आई उसे मारने के लिए चली जाती है, और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं वो पड़े हुए हैं, और हम अपने वुचन को देखते हैं जो सोचा होता है कि मेरा लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं हुआ है। जिस पर वो सिस्टम उससे कहता है कि चिंता मत करो, रिंग्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शन का मैजिक नहीं है, सो तुम उन सारी रिंग्स को पहन लो। फिर वो सारी रिंग्स को पहन लेता है जस्ट लाइक इट, और फिर वो कहता है कि मैं कोई रिंग्स लॉर्ड लग रहा हूँ। फिर वुचन उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये कैसा मैजिक है यार, तुमने तो मुझे रिंग्स पहना दी हैं सिर्फ। वो सिस्टम उससे कहता है कि हे, ये कुछ नहीं से तो अच्छा ही है। फिर वो कहता है कि 5 मिनट हो चुके हैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वो सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। हमारा हीरो सोचा होता है कि सिर्फ 5 मिनट में चला जाता है ये सिस्टम तो, और हम उसके पीछे वो डीमन आई देखते हैं। वो डीमन आई कहती है कि ये कैसा कचरा मिस लीटिया के रूम में है, तुम्हें तो इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जैसे ही वो डीमन आई उसे मारने के लिए जाती है, हमारा हीरो कहता है कि मैं जानता था कि तुम वहाँ हो सिस्टम। फिर वो डीमन आई सोचने लगती है कि क्या इस लड़के ने मुझे पहचान लिया, हाँ, और इसे मेरा नाम कैसे पता है? और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। जिस पर वो डीमन आई कहती है क्या इसे मेरी वीकनेस का भी पता है? हाँ। वो कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा छुपने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो वो डीमन आई कहती है कि अब मुझे छुपने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल ही गया है। और फिर वो सोचता है कि मुझे इस लड़के को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। फिर वो डीमन आई अपने एक डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर हमारा हीरो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और हमारा हीरो उसे देखकर काफ़ी घबरा सा जाता है। फिर वो डीमन आई उस पर अटैक कर देती है जिससे हमारा हीरो बचने की कोशिश करता है। उसका पैर किसी चीज़ पर फिसल जाता है और वो थोड़ा झुक जाता है। वो डीमन आई सोचती है कि इसने तो मेरे अटैक को डॉच कर दिया। हमारे हीरो को तो यहाँ दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो गिर गया है। फिर हमारा हीरो इस जगह पर बैठ जाता है और वो डीमन आई सोचती है कि ये तो वहाँ बैठ गया, क्या मेरा अटैक इतना ज़्यादा मजाकिया था कि इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। और यहाँ पर जो ज़मीन पर कितने सारे अच्छे हथियार पड़े हुए हैं जो कि मैंने आज तक नहीं देखे, मुझे लगता है कि ये मुझ पर बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है। फिर वो डीमन आई देखती है कि इसके आसपास से तो कोई अजीब सा ऑरा निकल रहा है। फिर वो डीमन आई उससे माफ़ी मांगने लगती है कि आप मुझे मेरे इस बदतमीज़ व्यवहार से माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर खुद आपसे लड़ने के लिए नहीं आया था, मुझे मिस लीटिया ने भेजा था ऐसा करने के लिए, चलिए तो अब मैं चलता हूँ और आप आराम करिए। और वो डीमन आई वहाँ से गायब हो जाती है। वूचन सोचता है कि अगर मेरा जो लीडिया के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मैं आज यहाँ पर ज़िंदा नहीं होता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रात हो गई है और हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि सो रहा है और वहीं पर लीटिया भी खड़ी हुई है जो याद करती है कि उस डीमन आई ने उसे कहा था कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैं उससे लड़ने की कोशिश करता तो मिस लीटिया मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा नहीं होता, वो मुझे मार देता। फिर वो लीटिया अपना हाथ बढ़ाती है उसकी तरफ और हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए। हाँ, वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बॉडी वॉडी नहीं चाहिए। तो उसे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम डिवाइन अथॉरिटी को पा सकती हो और द डीमन गॉड बन सकती हो। वो लड़की कहती है कि डिवाइन अथॉरिटी। बूचन कहता है कि क्या तुम्हें मदर गॉडेसेस की डिवाइन अथॉरिटी नहीं चाहिए। लीटिया कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। एंड यहीं पर जो एपिसोड 2 है वो भी ख़त्म हो जाता है। सो, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। और स्माइल कर टाटा।